हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजात की धड़कन रुकी तो मुंह से सांस दी नर्स ने, पैदा होते ही बिजली चली गई तो 10 मिनट तक सांस देकर बचाई मासूम की जान। बाड़मेर से करीब 180 किलोमीटर दूर मंडली गांव के पीएचसी यानी कि आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग ऑफिसर की सूझबूझ से एक प्री मेच्योर बेबी की और महिला की जान बचाई गई। दरअसल डिलीवरी के बाद बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी। नर्सिंग कर्मी ने तुरंत बच्चे को ऑक्सीजन पर लिया लेकिन इसी दौरान लाइट चली गई। इसके बाद नर्सिंग कर्मी ने बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस यानी कि रिसिटेशन प्रोसेस दी। इसके बाद बच्चे का दिल धड़कने लगा और उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर इस नर्सिंग कर्मी की काफी तारीफें हो रही है, इनका वीडियो भी सामने आया है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली पीएचसी बाड़मेर जोधपुर जिले के बॉर्डर पर है। पीएचसी में एक डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर साथ ही एक एनएम स्थायी रूप से लगे हैं। दो स्टाफ संविदा पर हैं। शुक्रवार को मंडली से करीब 5 किलोमीटर दूर राठौड़ों की ढाणी निवासी प्रेग्नेंट गुड्डी कवर पत्नी जगमाल सिंह को पीएचसी सेंटर पर लाया गया। महिला की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, रेफर नहीं कर सकते थे, किसी तरह समय से पहले डिलीवरी कराई गई। जब प्री मेच्योर बेबी जन्मा तो उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। नर्सिंग ऑफिसर निर्मला विश्नोई का कहना है कि महिला की डिलीवरी के बाद से ही प्री मेच्योर बेबी की हार्ट बीट ही नहीं चल रही थी। बच्चा रो भी नहीं रहा था। बच्चे को ऑक्सीजन पर जब लिया तो लाइट चली गई, इन्वर्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब ऐसे में उन्होंने बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस दी। उसके बाद बच्चा रोने लगा और उसकी हार्ट बीट चल पड़ी। तब जाकर बच्चे और उसकी माँ और परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। कुछ दिन पहले डिलीवरी के बाद बच्चे की देखरेख करती नर्सिंग ऑफिसर, परिवार वालों ने खुशी जाहिर करते हुए नर्सिंग ऑफिसर निर्मला विश्नोई का शुक्रिया भी अदा किया। महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी सूझबूझ से ही एक माँ और बच्चे की दोनों की जान बच पाई है। वो 6 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। पहले भी कई महिलाओं व बच्चों की वो जाने बचा चुकी हैं। हर माह करीब 40 से 50 डिलीवरी करवाने वाली नर्सिंग ऑफिसर निर्मला विश्नोई का कहना है कि वो हर महीने इतनी डिलीवरियां करवाती हैं। ये पीएचसी जोधपुर जिले की सीमा से लगी हुई है। 30 से 35 किलोमीटर दूर से महिलाएं डिलीवरी करवाने यहां पर आती हैं। कई बार जोधपुर के गांव शेरगढ़, बालेसर, सोईतरा इलाके के लोग भी मंडली सीएससी ही पहुंचते हैं। ज्यादातर डिलीवरी नर्सिंग ऑफिसर निर्मला ही करवाती है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।